सांगली पुलिस ने तीन ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो गाड़ियों पर पत्थर मार के करते थे चोरी। देखिए क्या है पूरा मामला। मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं आर्य टीवी न्यूज़। सांगली पुलिस ने तीन ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो गाड़ियों पर पत्थर मार के चोरी करते थे। बता दें ये तीनों आरोपी ने एक दिन एक घर में चोरी की, जिसके बाद घर वालों ने सांगली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इन तीनों आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है। बता दें इन तीनों आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने क्या जानकारी दी वो हम आपको सुनाते, साथ ही ये भी बताते चले इनके पास से गोल्ड बरामद किए गए जिनकी बाजार में मूल्य रूप से कीमत 5 लाख रुपया बताई जा रही है। अब देखने वाला विषय होगा ऐसे जो तमाम घटना होती है इसको किस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में लेती है और किस तरीके से रोक लगता है इन घटनाओं पे। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं स्थानीय पुलिस ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या जानकारी दी। दिसंबर महीने में लास्ट 23 तारीख और 30 तारीख ऐसे दो डकैती के घटना सांगली जिले में हुए थे। उसमें एक घटना सांगली शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत घर में डकैती हुआ था और कवटे महाकाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दूसरा घटना ये हाईवे डकैती हुआ था। तो दोनों ही घटना बहुत ही सीरियस क्राइम्स थे, इसलिए सांगली जिले के दोनों पुलिस स्टेशन कवटे महाकाल और सांगली शहर और उसके साथ में हमारे जो लोकल क्राइम ब्रांच है उसके अधिकारी और अमलदार इनके टीम्स बना के ये दोनों गुने के डिटेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेके दोनों ही गुने डिटेक्ट किया गया है। उसमें पहले जो गुना है उसमें अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर इधर के तीन आरोपी हमने अरेस्ट किया है और उसके अलावा उनके तरफ से जो मुद्देमाल इस गुने में चोरी किया गया था वो मुद्देमाल भी हस्तगत किया गया है। इस गुने में के इतर जो 6 आरोपी और कुछ जो थोड़ा मुद्देमाल और हस्तगत करने का बाकी है वो करने का प्रक्रिया शुरू है। और कवटे महाकाल पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में जो हाईवे डकैती हुआ था उसमें गाड़ी के ऊपर दगड़ फेंक के फिरियादी और इनको चाकू से धमका के जो मुद्देमाल चोरी लेके गए थे उसमें से एक आरोपी मिरज ग्रामीण तालुके के लिंगनूर ए गांव से आरोपी निष्पन्न हुआ था, वो आरोपी को हमने ताबे में लिया है और उसमें जो चोरी गया था उसमें से एक मोबाइल भी हस्तगत किया गया है। इस गुने में उर्वरित जो आरोपी है उनको अरेस्ट करने का और इतर मुद्देमाल हस्तगत करने का प्रक्रिया भी शुरू है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आर ए टी वी न्यूज़। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ अम्मार खान।